महामंत्री भयंकर सिंह भारत से। महारानी तारा में राज्य मंत्री ठाकुर भैरव सिंह। लेकिन भैरव सिंह, इस तरह से तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या कारण है? जानना चाहती हो तो महारानी तारा जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। भैरव सिंह, आज तू बातें किस तरह से कर रहा है? मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। रानी जी देख रही तुम बड़ी खुश नजर। रानी जी देख रही तुम बड़ी खुश नजर। तेरी मुझको होती जलन, इसलिए यहाँ चल कर के आया हूँ मैं। खैर चाहो तो दे दो तुम। तू अपनी औकात भूल रहा है। मंत्री भैरव, तुझे आज क्या हो गया? मंत्री भैरव, आज क्या हो गया? इस तरह बात की जो आज तू कर रहा, वो चैन की रानी मैं। उज्जैन की मैं महारानी हूँ और मेरे बेटे से तुझे जलन क्यों हो रही है? मालूम है उज्जैन की राजबालिका, ये जानना चाहती हूँ कि हमरा के काहे लिए तुम्हारे बेटे से जलन हो रही है? तो हमारी बात को गौर कर सुनो। जलन क्यों हो रही है? कि बात को मेरी रानी और सुनो गौर कर। कत्ती उज्जैन की है नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया है और तेरी कोख में तब से सीने की ज्वाला। उज्जैन की गद्दी तेरे नजर चढ़ गई है और कब खाता नहीं भैरव तू इस घटी खाओ पीता। बोलता जब तेरा काल है, खैर चाहे तो जा तू यहाँ से, चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा काल है। अरे सही, अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। रानी, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रानी जी बातें बड़बड़ के करना नहीं। रानी जी बातें बड़बड़ के करना
खड़ा नहीं, काल बन में खड़ा उतरे पास। नाम नरेंद्र सिंह बहादुर भी मार करके रोकू तरी तुम्हारे बेशरम बाची चुबा। अरे बेशरम वरना जब इसका बुरा पाएगा जा चला जा इसी में भलाई। महारानी तारा इस अपने कुत्ते को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बवाल करना चाहती हो अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दो। इस महाकालेश्वर धाम में खून की नदी बहा दूंगा। अगर तुम्हारा मेरे बेटे का नाम अपनी जुबा से लिया तो तेरी जुबा काट कर नीचे डाल दूंगी। महारानी तारा तेरे अरमानों की दुनिया, अरे तो तेरे अरमानों की दुनिया चला कर खाक कर दूंगा। तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। क्या देखता है चले महारानी की गोद से बच्चे को। महारानी तारा तोड़ देगी हर जुल्म की जंजीर को। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तेरा सर काटूंगी। नरेंद्र बहादुर महारानी ने धोखे से वार किया। धोखे से मेरे सर पर वार करके साली बच्चे को लेकर आगे भागी जा रही है। उसका पीछा करो साली बचकर न जाने पाए। सेनापति भंवर सिंह राजमाता कहो राजमाता। सेनापति भंवर सिंह मैं आ रही हूँ राजमाता, बस आवाज लगे दे रहो मैं आ रही। तुम्हें अमर Thank you.
बेटे की जान संकट में है, भैरव सिंह मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। मेरे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जा। ससरी को जान से नहीं मारना, नरेंद्र बहादुर सिंह। हाँ मेरे दोस्त, अब तुम यहां से भाग जाओ। बात ठीक। महारानी तारा, तने बवाल किया और भूल गए सारी है कड़ी। महाबली महाबली मालिक, महारानी तारा तो बेहोश होकर धरती पर गिर गए, लेकिन इसकी गोद में बच्चा नहीं है रे। बच्चा तो है। महाबली अम्मा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा शतरंज का जाल बिछाऊंगा कि महारानी तारा खुद ब खुद अपने मुंह से खुद अपने बच्चे के बारे में बताएगी। उसे कहां छुपा कर रखा है? और सेनापत भवन सिंह, आराम जाते। अब मैं तेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा, ऐसा जहर घोलूंगा कि तू साला किसी काम का नहीं रह जाएगा। हराम जाते सेनापत भवन सिंह, सेनापत भवन सिंह, तुमने मुझसे कहावत किया है तो आप देखेगा खेल। महारानी तारा के साथ में साले तुझको भेजूंगा जेल। रामबली महाबली चाल, इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं। और महाराज जयचंद प्रताप सिंह का वफादार बनकर उन्हें यहाँ लाकर
एक नजारा दिखाते हैं महाबली, होगी जुलम के बरसात। अरे तो होगी जुलम के बरसात, इला तो पाप किया थी, जमाना तोबा बोलेगा सितम। अब देखते जा हम लोग रजनी को तलाशते हुए काफी दूर आ गए, लेकिन रजनी का पता नहीं चल रहा है, इसलिए आओ हम लोग राजमाता की तरफ चलते हैं। चूंकि अगर राजमाता को कुछ होगा तो मैं सम्राट को अपना कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, इसलिए राजमाता की रक्षा करना मेरा फर्ज है। आओ हम लोग उनकी तरफ चलते हैं। जल से गिलास पानी लेकर आओ, चूंकि राजमाता को हमारे किसी दुश्मन ने चतुर कर यहाँ पर विरोध कर दिया है और अभी उनकी शासन चल रही है और सर से उनके लहू बह रहा है। आप एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं राजमाता को होके लाने का प्रयास करता हूँ। यार तब बहुत विलंब हो जाएगा। राजमाता इस तरह से भित्तियां लेकर छोड़ दे रही हैं। उन्हें होश नहीं आ रहा है क्योंकि उनके सर से लहू बह रहा है। हमें लगता है कि उनके सर पर काफी गहरी चोटें आई हैं। आओ इसलिए मैं राजमाता को लेकर किसी डॉक्टर के पास चलूंगा। अगर राजमाता को कुछ हो गया तो मैं सम्राट को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा, मैं इस वक्त आपका कहीं भी ले चल कर के इलाज अच्छे से कराऊंगा। मैंने आपके साथ कोई पाप नहीं किया है। हराम खोर भैरव सिंह, सेनापत भवर सिंह, तुझे साले चल्लो भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। किस धर्म का तो भवर सिंह नहीं बेशरम। नर्क में भी मिले का ठिकाना नहीं।
रानी से मिलके मारा और दुनिया का उसको मुकाला करने में राखी। अपनी चुबा संभाल कर बोल कमीने, कब खाता न भैरो चरा पे चर में पूरा होगा नहीं। इसकी बात तो मैं बता रहा स्वामी जी, इसका कोई ना हो तो भैरव सिंह महर मैं क्या सुन रहा हूँ? महारानी तारा झूठ बोल रही है हुजूर, अगर हमारी बात पर नहीं यकीन है तो हुजूर मेरे पास चश्मदीद गवाह भी है। तेरे पास चश्मदीद गवाह है? तुझे नहीं आती अपनी महारानी से ऐसे बातें करते हुए? स्वामी जी महारानी मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वही हुजूर को हम बता रहे हैं। हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने उस चश्मदीद गवाह को आपके समक्ष पेश करूं। कहा है तेरे पास गवाह, साबित कर। अरे भाई मेरे पास आओ आओ आओ। हुजूर इस संजबी को मैं नहीं जानता कि ये कौन है और कहां का है। ये सुबह 10 बजे से महारानी और मिस्टर भावर सिंह के करतूत को देख रहा था और इसने मुझको इतला किया और हुजूर मैं दौड़ता हुआ आपके पास शाही दरबार गया। अरे भाई अंजबी हुजूर को साफ साफ बताओ कि तुमने क्या देखा है। क्या देखा तुमने सम्राट? मैं सुबह 10 बजे से सेनापत को और इनके प्रेम प्रसंग को देख रहा था। नरेंद्र बहादुर और अपनी जुबान को संभालने। क्या कहा महारानी? मुझे तो इन्हें महारानी कहने में शर्म आती है। राम 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 राजन। और इनकी गोद में एक छोटा सा बालक भी था, ना जाने उससे क्या कर दिया। लेकिन कमीने बच्चा इनका है, ये जाने मैं काम जाने। हुजूर की साजिश है। हुजूर ये तो वही हुआ, ये तो वही हुआ हुजूर कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। स्वामी जी आप देख रहे हो हुजूर महाराज आपकी तारा किस तरह से तो इन्हीं कर रहे हैं। आप इन्हीं की बातों में आ रहे हैं। तारा मेरा गिर कीजिए स्वामी जी। मेरे प्यारे में तुझे कौन सी कमी मिली थी? मैं अपने कानों से क्या सुन रहा था? अरे तुझे तो मैं एक देवी समझता था और उस हराम जादे को एक वफादार समझता था, लेकिन ये तो आज तीन का साफ निकला। अरे कहते हैं कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहना। कहा है मेरा बेटा?
बोलो। ये इन कमीनों की साजिश है, इनकी बातों में बताइए स्वामी जी। मेरे बेटे का पता तो कभी नहीं पाएगा स्वामी जी, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन कमीनों के सामने नहीं। चुप रहा तारा। स्वामी जी आप अपने तारा पर विश्वास करिए। अरे क्या कमी तुझको किया जो पापी है बन गया भैरव सिंह शैतान है। अगर बता दी मैं पता बेटे की ले जा जान है कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठी कसम खाती है रामजादी। अगर
झूठा है तो मेरा बेटा आकाश कहाँ है? स्वामी जी, मैं आपसे सारी बातें बताऊंगी, लेकिन इस कमीने भैरव सिंह के सामने नहीं। कमीने, इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। सिपाही तूने कुछ नहीं किया तो मेरा बेटा आकाश कहाँ है? स्वामी जी, आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं। तारा, जब तक तुम दोनों आकाश का पता नहीं बताओगी तब तक तुम्हें ये जेल की सलाखों में रहना है, रहना पड़ेगा। और आज जिस तरह श्री राम सीता को वन में छोड़ा दिया है, उसी तरह तुझे कैद खाने में रहना होगा। सिपाही, यहाँ पे मत करी और ले जाओ, डाल दो इन्हें जेल खाने में। स्वामी जी, स्वामी जी, माता सीता भी बेगुनाह थी, दूसरों के भड़का में भी आकर प्रभु श्री राम ने वन में छोड़ दिया था। आज उसी तरह आप इस कमीने के भड़काव में आकर अपनी तारा पर विश्वास नहीं कर रहे। तारा, तुझसे विश्वास मेरा खत्म हो गया है। आप मुझे फांसी दे दीजिए स्वामी जी, लेकिन ऐसा कलंक अपने तारा पे मत लगा। ये दुनिया और ये समाज हमें जीने नहीं देगा। हराम जाली, नहीं चलेंगे हराम जाली। नहीं इस तारे सितम मुझ पे डाल, इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हुजूर, कैद खाने की तरफ हम हमेशा अपनी नजरें बिछा कर रखेंगे, जब तक ये दोनों कुंवर आकाश के बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा। हुजूर, नहीं दिया जाएगा। भैरव सिंह, आकाश का पता लगाओ कि राजकुमार आकाश कहां पर है। हुजूर, अगर कुंवर आकाश इस पृथ्वी पर जिंदा है तो हम धरती और आसमान एक कर देंगे। एक दिन उसे ढूंढकर जरूर आपके कदमों में डालूंगा। हुजूर, जरूर डालूंगा। बहुत अच्छा भैरव सिंह, भैरव सिंह, आ हम राजकुमार आकाश की खोज में चल रहे हैं। राम बली, देखा ठाकुर भैरव सिंह की खोपड़िया का कमाल। राम चाहते सेनापत भवर सिंह तो चला अपने आप को बहुत बड़ा वफादार कहलाता था, लेकिन आप मैं
तेरा वो हाल करूंगा कि साले तुमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। सेनापति पवन सिंह, अब हम तेरे बंगले की तरफ जाऊंगा और तेरे पत्नी शकुंतला के साथ ऐसा घिनौना काम करूंगा, ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा कि वो साली कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जयचंद प्रताप सिंह तो साले मैं मिटा कर छोड़ूंगा। अब हमने तेरी तबाही का बीज बो दिया है महाबली, जब तलक है जिंदगी, अरे तो जब तलक है जिंदगी से अगर कोई जिद करेगा तो साले को मार दूंगा। ये नहीं बोल रहे हैं, इनका मौत बोल रही है। बताओ महारानी का सेनापति को जेल बसा डरवाओ, मगर रात दरबार में जब तक महाबली जिंदा है ये बेटा कुछ कह नहीं सकते। अब इनके मौत आए गए हैं, हम चल रहे हैं बहुत कुछ गौर सोचे। अरे बूंदाबांद आई गई, कि बूंदाबांद आई गई माथे बाप